आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि एलयू जयपुर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एलएलएम पीजी डिप्लोमा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे और आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन है जो निकाले हैं आपके कमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सर जो पेपर होगा वो कैसा होगा, मतलब कितना पूर्णांक का पेपर होगा। तो मैं बता दूँ कि आपका सिलेबस है वो 100% आएगा, आपका पेपर है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे प्रश्न है कि पेपर कितने नंबर का होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, पूर्णांक जिसको आप बोलते हैं। अगला है कि यहाँ पे कितने प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो आपके एग्ज़ाम में है वो 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न है वो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें कि कितने प्रश्न करने हैं, तो आपको 5 प्रश्न है वो एग्ज़ाम में करने हैं। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेपर कितने समय का होगा, पेपर की अवधि है वो कितनी होगी, टाइम पीरियड। तो मैं बता दूँ कि आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको 10 में से 5 प्रश्न करने हैं, सिलेबस आपका 100% आएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि ये यूनिट वाइज क्या होता है, यहाँ पे आपके पेपर इस बार आपको ऐसा नहीं करना था, लेकिन अभी जो 2023 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपके यूनिट आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपके लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला यूनिट है जो कि 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, एक में आपके दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों में से एक करना होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनिट वाइज पेपर में कितने प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो प्रश्न है, एक यूनिट में दो होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे दो होते हैं, टोटल आपके यहाँ पे वो 10 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 5 करना है, ठीक है। और आपके जो यूनिट वाइज है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, मैं आपको सिलेबस भी आपको दिखाने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एलएलबी जो एलएलएम का है वगैरह सबको आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज पेपर में कितने प्रश्न हैं, तो फर्स्ट यूनिट में आपके 2 आते हैं, सेकंड में आपके 2 आते हैं, थर्ड में 2 आते हैं, ऐसे करके आपके 10 आएंगे, आपको 5 करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक यूनिट में ज़्यादा प्रश्न कर दिए तो क्या होगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जैसे फर्स्ट यूनिट है उसमें आपने दोनों प्रश्न कर दिए तो वो मान्य नहीं होगा, वो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, दोनों के आपके नंबर है वो काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों में से आपको एक ही करना है, अगर आपको पहला आ रहा तो पहला कीजिए, दूसरा दूसरा कीजिए, ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना होगा। यहाँ पे आपने इसको देख लिया होगा कि जैसे आपके इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ओके, जैसे आप इसको अथवा में बोल सकते हो, आपका जैसे 5 यूनिट है या 4th यूनिट है या 3 है, इनमें से एक अथवा में आएगा और एक वैसे आएगा जो कि यूनिट के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे थर्ड ईयर जो एलएलबी का यहाँ पे कोर्स है, एनुअल स्कीम का है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ये आपका सिलेबस है और ये आपके पेपर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं इसमें यहाँ पे सब दिया हुआ है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर का है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ईयर में यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल है और जिसका एग्ज़ाम आपको पता है एग्ज़ाम होते हैं, साथ यहाँ पे एग्ज़ाम दे रखे हैं, बाकी 2 प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, बाकी थर्ड ईयर में यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम आपका होगा ड्राफ्टिंग प्लेडिंग का, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। और नाइन्थ नंबर का तो पेपर आपका थर्ड ईयर में एलएलबी में, उसका यहाँ पे मूड कोर्ट प्रैक्टिस वगैरह के लिए होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का है, अब हमें इससे समझते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला पेपर आपका संविधान का है, इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पे यूनिट आ गया, तो इसमें जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं
वही एग्जाम में आएंगे। जैसे आपकी सीरीज है बाबेल है या फिर आपकी बुक है, उसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जो यूनिट फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको देखिए। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड यूनिट है, इसमें देखिए फंडामेंटल राइट वगैरह है पार्ट थर्ड, तो ये चीज़ें हैं, ये यूनिट वाइज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो आपका सब कुछ इसमें दिया, बाकी इसमें देखिए लीडिंग केस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं, इनमें से एक दो केस पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको वो लिखना होगा। ठीक है, इन्हीं में से आएगा, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ पे दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे वही चीज़ है, बाकी यहाँ पे बाकी और सिलेबस जैसे LLM की बात करें तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में कुछ बता दो, तो मैंने इस पर बताया हुआ है पहले से, आप यूट्यूब पे जाके देखिए हमारे चैनल पे, इंग्लिश के बारे में मैंने आपको दो वीडियो बनाए हुए हैं, दोनों का आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे जो सिलेबस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट है उसमें लीगल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं क्या क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 मिनट आएंगी। बाकी यहाँ पे जो लीगल ट्रिम आते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इन्हीं में से एग्जाम में पूछेगा और इन्हीं में से आते हैं, 10-15 आते हैं, बाकी कोई बाहर से कुछ आता नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, आप PDF भी मैंने डाली हुई टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा आपको इंग्लिश के बारे में मैटर बताया हुआ है, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों ये सेम प्रोसेस ही है, जो PG डिप्लोमा कर रहे हैं फिर LLM कर रहे हैं उन्हीं के लिए भी यही है। आपका सिलेबस वगैरह जो वेबसाइट है वहाँ पे डाला हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पे, और बाकी टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, बाकी मैंने वीडियो बना रखे हैं पहले से सिलेबस के बारे में, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए LLM सिलेबस 2023 या 22, आपके सामने मेरे वीडियो आ जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर LLB की हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर LLM, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एनुअल एक साल वाला, और बाकी जो डिप्लोमा करे उनके लिए। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि कन्फर्म कर दूँ आपके लिए कि यहाँ पे जो LU है जयपुर, उनके द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। मैंने काफ़ी बार उनसे पूछा, कॉल भी किया, उनकी ओर से रिस्पॉन्स ये आ रहा कि मैंने बोला कि सर मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ और आपकी जो यूनिवर्सिटी अपडेट है वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डालता हूँ, तो बोला कि सर अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना बता रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का है वो, यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह आ चुका है, डेट से जारी हो गई है। ठीक है, तो आपकी भी है वो यहाँ पे 10 या 15 जून तक है, वो कन्फर्म अपडेट आ जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था। बाकी कोई भी अपडेट आती मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, और बाकी आप मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको अपडेट है वो तुरंत मिल जाती है, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए सबसे पहले, वहाँ पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे कीजिए, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट है वो मिल जाती है। बाकी आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा था कि सर एग्ज़ाम में पेपर कैसे करें, तो मैंने फिर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ कि LLB या फिर लो एग्ज़ाम को पास कैसे करते हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, उसको समझिए मैंने कैसे आपको क्या बताया। बाकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इसी नाम से अशोक यानी LLB के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।